Hello and welcome, friends, to another episode of Weekly Current Affairs brought to you by Prospect IAS. So, friends, as you can see, we have changed the format a bit. So, we have come up with a newer format and a newer way to introduce you to our current affairs. From now on, this will be the format. This will be a much more attractive, better way to talk about the current affairs of the week gone by. तो दोस्तों विदाउट फर्दर अडू हम शुरू करते हैं. ये जुलाई 19 से जुलाई 25 तक के हैं हमारे आने वाले भी करंट अफेयर्स स्टार्टिंग विद जुलाई 19. तो जो पहली न्यूज़ है वो है कि AI टूल डेवलप टू स्टडी कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस. तो अब इस न्यूज़ में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये तो एक सब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि IIT मद्रास ने ये AI टूल कॉल NV ड्राइवर इंट्रोड्यूस किया है. अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने किस तरह से इसके मैकेनिक्स समझाए हैं कि बाय लुकिंग एट द नेबरहुड कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ म्यूटेशन इन द जीनोम इट कैन लुक एट हार्मफुल ड्राइवर म्यूटेशंस एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम न्यूट्रल पैसेंजर म्यूटेशंस. तो ये इंपॉर्टेंट है. इस टेक्निक को जिसमें कि जीनोमिक नेबरहुड को देखा जाता है टू मेक आउट ऑफ नेचर इज अ नॉवल एंड लार्जली अनएक्सप्लोर्ड वन. द नेचर ऑफ द म्यूटेशन डिपेंड्स ऑन द नेबरहुड एंड हाउ दिस टूल मे बी यूज्ड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन द ड्राइवर एंड द पैसेंजर. तो बेसिकली एक नया तरीका आया है और इसीलिए यहाँ पे इसमें इस तरीके से इसको दर्शाया जा रहा है कि ये बहुत ही नॉवल तरीका है. मेथड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ड्राइवर एंड पैसेंजर म्यूटेशन सोली बाय लुकिंग एट द नेबरहुड इज नॉवल. अगेन वही बात, ये छोटी सी न्यूज है बट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आ गया हमारा इंडियन एक्सप्रेस का. वॉट इज द कॉन्ट्रोवर्सी ओवर नेमिंग अ गार्डन इन मुंबई आफ्टर टीपू सुल्तान. तो अगेन इसमें BJP ने एक अटेम्प्ट किया है ऑपोजिशन देने का टू पिन डाउन द शिवसेना ऑन द इशू ऑफ हिंदुत्व कि भाई आप टीपू सुल्तान का ये कैसा लगाने दे रहे हैं, उनका जो भी एक स्मारक है या जो भी एक गार्डन है उनके नाम पे. तो 1000 किलोमीटर दूर है मैसूर से मुंबई, फिर भी वहाँ पे इस तरीके का एक डिस्प्यूट चल रहा है. पूरी न्यूज़ को फॉलो करने के लिए टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस आप इस पर्टिकुलर लिंक पे ज़रूर जाएं और इसको बेहतर तरीके से समझें. मैं हमेशा ऐसे रिकमेंड करता हूँ. यहाँ पे देखिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से निकाल के हमने आपके लिए रखे हुए हैं. तो इसमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टीपू सुल्तान के बारे में पता होना चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये कुछ जानकारी दी गई है कि भाई उनका रोल कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. मैसूर सिल्क इंडस्ट्री की बात हो रही है, आयरन केस मैसूरियन रॉकेट्स की बात हो रही है, कमीशन मिलिट्री मैनुअल फतहुल मुजाहिदीन की बात हो रही है, फिर उनके फादर की बात हो रही है कि भाई वो 1782 में डेथ के बाद टीपू ने उनको सक्सीड किया था, इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज कौन कौन सी थी, ब्रिटिश को हराया था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर करी, टीपू के कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके के थे, मराठा मैसूर वॉर था, ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ साइन हुई थी, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था तो उसमें ट्रीटी ऑफ सरंगपट्टनम जो हुई थी वो साइन हुई थी, और फिर फोर्थ एंग्लो वॉर के बारे में भी लिखा गया है जिसमें कि बताया गया है कि मराठास जो है ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स जो उनको मराठा सपोर्ट कर रहे थे और निज़ाम और हैदराबाद थे उन सब ने मिलकर टीपू को हराया था. 4 मई 1799 को उनकी मृत्यु हो गई थी सरंगपट्टनम में ही लड़ते लड़ते. आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन आर्टिकल, हाउ डज द मून वॉबल इफेक्ट राइजिंग टाइड्स. तो अगेन मून वॉबल इसमें जानना आपके लिए जरूरी है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी मार्क कर रखा है कि रेगुलर ऑस्किलेशन दैट ह्यूमंस हैव नोन फॉर अबाउट सेंचुरी एंड इट इज नोन फॉर मेनी फैक्टर्स दैट कैन आइदर एग्जैजरेट राइजिंग सी लेवल्स और काउंटरैक्ट देम अलॉन्गसाइड अदर वेरिएबल्स लाइक वाटर वेदर एंड ज्योग्राफी. और फिर देखिए यहाँ पे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी है जिसमें कि वो वॉबल की बात कर रहे हैं, रोटेशंस और रेवोल्यूशंस को के तरीके से वो चलता है उसकी बात कर रहे हैं. ये बहुत ही अलग तरीके का एक फिनोमेना है जिसकी हम बात कर रहे हैं और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर एक्सप्लेन्ड आर्टिकल मौजूद है तो आप उसको ज़रूर पढ़ें. अब वो मून वॉबल क्या होता है, नथिंग बट अ रेगुलर स्विंग इन द मून्स ऑर्बिट. मतलब एक रेगुलर तरीके का घूमना है, स्विंग है मून ऑर्बिट में. पहली बार 1728 में आया, अब ये 18.6 ईयर पीरियड में होता है और एक साइक्लिकल फैक्शन में चलता है. इसका अर्थ पे क्या इम्पैक्ट है कि वो ग्रेविटेशनल पुल पे इम्पैक्ट करता है मून के और इसलिए इंडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स ऑफ द हेयर ऑन अर्थ. नासा के मुताबिक तो ईच जो वॉबल साइकिल है उसका पावर है एम्पलीफाई, बढ़ाने या कम करने का टाइड्स को. तो एक हाफ जो होता है वो सप्रेस करता है, दूसरा है मतलब कि हाई टाइड्स लो हो जाती हैं और दूसरा जो है वो एम्पलीफाई करता है. तो यही लास्ट पॉइंट में ये समझाया गया है यहाँ पे इस आखिरी पॉइंट में.
तो ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट इंसाइटफुल आर्टिकल है, मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब यहाँ लूनर साइकिल की भी बात करी गई कि वो 2030 के मिड तक फिर से चेंज हो जाएगा, डबल वैमी सिचुएशन होती है क्लाइमेट चेंज के साथ। फिर हम देखते हैं कि अपकमिंग लूनर चेंजेस जो है वो सीरियस थ्रेट ला सकते हैं, राइजिंग सी लेवल्स के साथ कोस्टल रीजन्स में थ्रेट आ सकता है। और स्टडी का प्रडिक्शन ऐसा भी है कि हाई टाइड एसोसिएटेड फ्लड्स, जिनको कि न्यूसेंस फ्लड या सनी फ्लड बोलते हैं, वो क्लस्टर में आकर कर सकते हैं जो कि महीनों तक चले या उससे भी ज़्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आर्टिकल, फिर से एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, कंजुगल राइट्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो अब इसमें कंजुगल राइट्स की दोस्तों मेनली बात करी है, इसमें आप ये पॉइंट तो ज़रूरी पढ़ें, बाकी पॉइंट्स भी आर्टिकल से निकाले हुए आप ज़रूर पढ़ें, बट अगर आपको पूरा पूरा आर्टिकल की जानकारी लेनी है तो यू गो टू दिस लिंक एंड यू अंडरस्टैंड दिस। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं, बिकॉज ये एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स यूजली मेंस पर्सपेक्टिव से ही अकेले इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही अकेले इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके आंसर्स में आपको हेल्प करते हैं। इंडियन नेवी रिसीव्स फर्स्ट 224 MH-60R हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम US। तो जो हमारी इंडियन मिलिट्री है, इंडियन सॉरी इंडियन नेवी है, उसने 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, जिनको MRH बोलते हैं, वो लॉकहीड मार्टिन के अंडर प्रोड्यूस करे गए, मैन्युफैक्चर करे गए, और फॉरेन मिलिट्री सेल्स जो है US मिलिट्री से हुए 2.4 बिलियन के कॉस्ट पे। अब इंडियन नेवी ने पहले दो जो एक्सेप्ट किए एक सेरेमनी में, जो कि नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड में सैन डिएगो में हुई 16 जुलाई को, और इससे एक फॉर्मल ट्रांसफ़र हो गया। अब जो है ये किसने मैन्युफैक्चर किए, ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 24 हेलीकॉप्टर्स प्रोक्योर किए जाएंगे फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत, और मॉडिफाई किया जाएगा बहुत सारे इंडियन इक्विपमेंट और वेपन्स डाल के। इनका इंडक्शन है, मतलब कि नेवी की जो थ्री डायमेंशनल केपेबिलिटीज़ उनको बढ़ाना, और साथ ही साथ इन पोटेंट हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करने के लिए जो पहला बैच है वो अभी ट्रेनिंग ले रहा है USA में। तो इसी के साथ हम एक और एक्सप्लेन आर्टिकल की तरफ बढ़ गए। कुड बलून्स पावर अनसेंसर्ड इंटरनेट इन क्यूबा। तो जो US में, अब ये देखिए एक्सप्लेन आर्टिकल आया है, ये एक अलग तरीके के बलून्स आए हैं कि फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर ने ग्रीन लाइट दिया एक प्लान को, जिससे कि इंटरनेट जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स में आ सके। तो अगेन इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर इस आर्टिकल के थ्रू जाएं, इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू। एंड अगेन ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं मैं सबको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब के सब वहीं से लिए हुए हैं, बट ये फिर भी ब्रीफ है, पूरी अंडरस्टैंडिंग आप उधर से ले जाके। हाउ डज इट वर्क, अब देखिए ये यहाँ पे इसके काम करने का तरीका बताया गया है कि सेल टावर्स के रूप से, टेनिस कोर्ट के रूप से चलेगा, कि भाई वो इफेक्टिवली सेल टावर्स हैं जिनका कि टेनिस कोर्ट जितना साइज है, 60,000 से 75,000 फीट तक जाते हैं, कॉमन प्लास्टिक पॉलीथीन से बने हैं, सोलर पैनल्स जो है यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और उसी के साथ साथ हज़ारों लोगों को सर्व कर सकते हैं, और हर 5 महीने में रिप्लेसमेंट इनका चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर विंटेज मोटर व्हीकल्स फॉर्मलाइज्ड। तो जो ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे अमेंडेड CMVR 1989 फॉर्मलाइजिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ विंटेज मोटर व्हीकल्स, दिस इज एम्ड एट प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग द हेरिटेज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स इन इंडिया। अब इसमें से हर 2 या 4 व्हीलर व्हीकल जो है जो 50 साल से पुरानी है, जिसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में रखा गया, उसको विंटेज मोटर व्हीकल बोला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूरे फॉर्मल और जो एक तरीके से प्रोसेस होता है वो समझाया गया है। स्टेट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर फॉर्म 23A within 60 days। अब व्हीकल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैन रिटेन देयर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन मार्क, हाउएवर फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको एक नया XXVAYY, जहाँ पे VA स्टैंड करता है विंटेज के लिए, XX स्टैंड करता है स्टेट कोड, और YY स्टैंड करता है 2 लेटर सीरीज, और 8 इज अ नंबर फ्रॉम 0001 to 9999 अलॉटेड बाय द स्टेट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। अब फीस जो है 20,000 है, सबसिक्वेंट रजिस्ट्रेशन 5,000 है, विंटेज मोटर व्हीकल्स को कमर्शियल पर्पसेज या रेगुलर पर्पसेज के लिए यूज़ ना करा जाए, ऐसा भी बोला गया है। तो जैसा कि दोस्तों समझ सकते हैं, यहाँ पे हमें जो देखने में मिल रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग तरीके की न्यूज़ है, इसको जानना ज़रूरी है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अमेंडिंग सम रूल्स दैट आर देयर विद इन आर लीगल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, PMAU लॉन्चेज अ शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट, खुशियों का आशा है। बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ है यहाँ पे दोस्तों, हमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स और अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया अपना 6th एनिवर्सरी ऑफ PMAU ऑन जून 25, 2021। आवाज पर संवाद
एक तरीके का अवेयरनेस कैंपेन है जो डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डिसेमिनेशन को प्रमोट करता है ऑन हाउसिंग फॉर ऑल, के हर किसी को घर मिले। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं इसके, और जो अलग अलग स्ट्रीम्स को बिलोंग करते हैं और अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्लानिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। अब ये कैसे किया जाएगा, 75 नेशन वाइड वर्कशॉप्स होंगी जुलाई 1 से सितंबर 30 तक, अलग अलग प्राइमरी लीडिंग इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ये वर्कशॉप जो हैं वो ऑफलाइन भी होंगी, ऑनलाइन भी होंगी, और इन सब के लिए सर्टिफिकेट्स भी इशू करे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आ गया कि पेगासस यूजेस जीरो क्लिक अटैक्स बाय वेयर, व्हाट इज दिस। तो पेगासस अभी बहुत ही ज़्यादा रहा चर्चा में, तो अभी हम देख रहे हैं कि इज़राइल कंपनी एनएसओ है, एनएसओ ग्रुप्स पेगासस स्पाईवेयर टारगेटेड ओवर 300 इंडियंस। तो ये तो अभी रीसेंट अफेयर्स थे जो आपको पता ही है। पेगासस क्या है हमें पता होना चाहिए, और एक सॉफ्टवेयर है जो इसराइल ने बनाया है। इसके अलावा बाकी सारी की सारी जो यहाँ पे बेस्ड इंफॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड विच इज़ वाई वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल टू गो ओवर दिस। सी, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं जितने चोजन पॉइंट्स मैंने चुने हैं वो आपको एज इट इज़ पढ़ दूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ और आगे बढ़ जाऊँ। बट मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास एक बेटर सोर्स अवेलेबल है, इट वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम, तो आप उसको ज़रूर एक्सेस करें। इसी के साथ दोस्तों 19 जुलाई का ख़त्म होती है करंट अफेयर्स, आगे बढ़ते हैं 20 जुलाई के लिए, और गवर्नमेंट अनाउंसेस लॉन्च ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सेलेंस अवार्ड्स। तो अब इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सेलेंस अवार्ड्स क्या होते हैं। ये दो कैटेगरी में होते हैं, फर्स्ट ग्रुप होता है लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, और सेकेंड होता है वेरियस यूजर इंडस्ट्रीज में। अवार्ड जो है हाईलाइट करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को, कंसोलिडेशन, प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस को। इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर जो CAGR है वो ग्रो कर रहा है 10.5%, रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली $215 बिलियन US 2020 तक। देर आर सिस्टमैटिक इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स जिनको कि एड्रेस करना चाहिए एनहांस करने के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को। इसका 14% GDP से रिलेशन है कि भाई इतना इसका कॉस्ट है। इंडिया का कंपेटिटिवनेस गैप जो है ग्लोबल एवरेज परसेंट 8% है, वुड मेक द इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर एडवांस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट ऑन पार विद ग्लोबल पीयर्स विद द एंबिशन ऑफ बीइंग द अमंगस्ट द टॉप 25 इन द ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI। बेसिक सी न्यूज है, अगेन मैंने इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं ऑलरेडी आपके लिए मार्क कर दिए, यू कैन गो थ्रू दैम, एंड दिस सफाइसिस योर इंफॉर्मेशन फॉर दिस नॉलेज। स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म ड्रॉज ऑनबोर्ड 104 स्टार्टअप्स फ्रॉम डाइवर्स एरियाज। तो इसमें 104 स्टार्टअप्स हैं स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म के तहत। ये एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स इन द कंट्री। इसमें फिनटेक, एंटरप्राइज टेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थ टेक, एडटेक जैसे काफ़ी सारे सेक्टर्स कवर होते हैं। इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स हैव इवैल्यूएटेड, नर्चर्ड एंड सपोर्टेड दी स्टार्टअप्स। इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है, बहुत ही बेसिक सा है, बट दी स्टार्टअप्स आर सॉल्विंग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एंड शोन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। गवर्नमेंट टू सेटअप अ वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा, सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा टू फोकस ऑन कंजर्वेशन रिसर्च इन इंडियाज रिच टैंजिबल हेरिटेज। ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर में बनेगा, आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ बनेगा। अब इसको एक यूनिवर्सिटी की तरह बनाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज अंडर द NAI, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन कल्चरल प्रॉपर्टी, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियम, एकेडमिक विक ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स विच इज वी कॉल IGNCA। इसमें दे शैल बी बिकम वेरी स्कूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब ये जो है ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की तरह बनाया जा रहा है, इंडिया की टेंजिबल हेरिटेज, रिच हेरिटेज, साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रिसर्च देने के लिए और डेवलपमेंट और डिसमिनेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है प्योरली फ्रॉम गवर्नमेंट परस्पेक्टिव। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन रिलेटेड टू डिफेंस रिफॉर्म्स, क्या पता होना चाहिए। कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाई, लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकातकर के अंडर, जिसने कि काम था उसका रिकमेंड करना ऐसे मेजर्स जो कि कंपैटिबिलिटी, कॉम्बैट कंपैटिबिलिटी, रीबैलेंस डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकें, एनहांस कर सकें, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2016 दिसंबर में रखी थी। उनके मुताबिक बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिए गए जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन, अभी सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं।
जिसमें ऑप्टिमाइजेशन है सिग्नल्स एस्टैब्लिशमेंट का, जिससे कि रेडियो मॉनिटरिंग कंपनीज हैं, कॉर्प्स, एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट्स, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट्स, कंपोज सिग्नल रेजिमेंट्स, तरह तरह के रेजिमेंट्स जो आते हैं, इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट्स, कॉर्प्स ऑपरेटिंग। साथ ही साथ रीस्ट्रक्चर हो एखलॉन्स का इन द आर्मी टू इंक्लूड बेस वर्कशॉप्स, एडवांस बेस वर्कशॉप, स्टैटिक स्टेशन वर्कशॉप्स इन द फील्ड आर्मी। रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस एखलॉन्स टू इंक्लूड व्हीकल डिपोट्स, ऑर्डिनेंस डिपोर्ट्स एंड सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रीमलाइनिंग इन्वेंटरी कंट्रोल मैकेनिज्म्स, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन एकलॉन्स एंड एनिमल्स ट्रांसपोर्ट यूनिट्स, क्लोजर ऑफ मिलिट्री फार्म्स एंड आर्मी पोस्टल एस्टैब्लिशमेंट्स एंड पीस लोकेशन, एनहांसमेंट इन स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर क्लरिकल स्टाफ एंड ड्राइवर्स इन द आर्मी एंड इम्प्रूविंग द एफिकेसी ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स विच इज द NCC। इंपॉर्टेंट है इसमें बेसिकली आपको रिकमेंडेशन के बारे में पता होना चाहिए और कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट सेट्स अप डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स इन द डेयरी सेक्टर। तो अब इसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पता होना चाहिए, उनका व्यू क्या है कि भाई एक ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट हो इंडियन डेयरी सेक्टर में, इसलिए उन्होंने डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर अंडर द इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल बनाया है। इसमें हमें इस फंड के बारे में पता होना चाहिए जिसको कि हम AIDHF बोलते हैं, इसमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और इस फंड में पैसा लाने के लिए बनाया गया है। अब ये फ्लैगशिप स्कीम है DAHD की, जिसमें 15,000 करोड़ फंड लाया गया है, सेटअप किया गया है और फाइनेंशियल सपोर्ट देना है एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट कंपनीज को, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को, MSMEs को, सेक्शन 8 कंपनीज को। ये क्रॉस फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूटेड टीम है जिसमें कि इंटरफेस की तरह काम करेगी अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और साथ ही साथ इट शैल प्रोवाइड सपोर्ट अक्रॉस द इन्वेस्टमेंट साइकिल। तो अब इसमें ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन थे जो कि बेसिक तरीके से उसके फीचर्स बतला रहा है हमें, गो थ्रू दिस एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट स्पेशली डेयरी सेक्टर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, तो ये डेटा बेस्ड एक हमारी न्यूज़ आई है कि उन्होंने बताया है कि भाई स्टेप्स बताइए कि क्या लिए गए हैं। तो अब इसमें हमें तमाम स्टेप्स दिख रहे हैं, हमें जैसे एजुकेशन की बात करी गई है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाएगा रोड सेफ्टी ऑडिटर्स को, ये इंपॉर्टेंट है इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स में। साथ ही साथ फिर रोड इंजीनियरिंग दिया जा रहा है, व्हीकल इंजीनियरिंग दिया जा रहा है, मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसे नोटिफाइड फिटमेंट ऑफ स्पीड लिमिटिंग डिवाइसेस सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे लगाने को बोला है, स्कीम फॉर सेटिंग अप वन मॉडल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो कि हर जगह सेट हो, जिससे कि टेस्टिंग जो है फिटनेस की वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत हो सके तो ज़्यादा ईजी हो जाए। एनफोर्समेंट की फिर देखिए बात करेगी कि भाई जो अभी मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास किया गया, उसने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की बात करी टेक्नोलॉजी के थ्रू, पेनल्टीज प्रोवाइड करने की कंप्लायंस के लिए और डेटरेंस एनहांस करने के लिए। अब इशू ऑफ गाइडलाइंस एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड समरिटन्स एंड ड्राफ्ट रूल्स एज पर द MB अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन पब्लिश्ड। फिर यहाँ पे इमरजेंसी केयर की बात करेगी, तो उसमें मोटर व्हीकल्स 2019 अमेंडमेंट एक्ट की बात करी गई, जहाँ पे बोलेगी कि कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जा सकता है गोल्डन आवर में। साथ ही साथ फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोविजंस रखे हैं कि एम्बुलेंस टोल प्लेसेस पे उनको ना रुकना पड़े और कंप्लीटेड कॉरिडोर जो है हाईवेज का उस पर उनको चलने दिया जाए। फिर स्टेटस ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, एक और रोड से रिलेटेड हाईवे से रिलेटेड न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्फॉर्म्ड राज्यसभा अबाउट द स्टेटस ऑफ द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हमें वर्ल्ड बैंक ने जो लोन दिया है उसके बारे में पता होना चाहिए, इनफैक्ट ये पूरा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर हमें अपग्रेडेशन के लिए क्या बताया गया कि भाई 781 किलोमीटर लेंथ की अपग्रेडेशन होगी जो कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होके गुजरेगी। इसकी पूरी की पूरी जो 287 लगभग 288 जो है वो सिविल कॉस्ट है, 1664 करोड़ की वो अवार्ड करी गई है और शेड्यूल क्या है दिसंबर 2025 तक इसको बना के रखने का। आगे बढ़ते हैं काफ़ी देर बाद एक और एक्सप्लेन आर्टिकल, व्हाट मेक्स नासाज न्यू स्पेसक्राफ्ट NEA स्काउट स्पेशल। तो अब इसमें हमें NEA स्काउट के बारे में पता होना चाहिए, हमें स्पेस लॉन्च रॉकेट के बारे में पता होना चाहिए, मैं इस पूरे ही पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हमें Artemis 1A के बारे में पता होना चाहिए, NEA के बारे में जो कि एक सेवरल पेलोड्स में से एक है। Artemis 1 एक अनस्क्रू टेस्ट फ्लाइट है ओरियन स्पेसक्राफ्ट की और SLS रॉकेट की। अब इसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन्ड आर्टिकल के थ्रू ज़रूर जाएं एंड एस्टैब्लिश करें अपनी नॉलेज को और बेहतर तरीके से। मंकी बी वायरस क्या है, जिसने पहली ह्यूमन डेथ चाइना में करी। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बिकॉज आजकल हम वायरसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो मंकी बी वायरस से रिलेटेड ये बहुत ही बेहतरीन एक ऑब्जेक्टिव, और अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो आप इस ऊपर मैंशन जो मैंने पॉइंट्स मैंशन किया आप उनके थ्रू जा सकते हैं।
बट मैं उनके थ्रू इसलिए नहीं जाता हूँ बिकॉज वो सुन के बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि इतना काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप सोचें कि इतना काफ़ी नहीं है जब आपके पास इतना अच्छा सोर्स मौजूद है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन आर्टिकल्स के रूप में, तो आप उन पे जाएं और वहाँ से पूरा पढ़ें। इवन अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही चाहिए भी, आप अगर पूरा आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग इंप्रूव्स फ्रॉम 1.53 टू 7.93% ओवर लास्ट 7 ईयर्स। तो अब इसमें हमें क्या बताना चाहिए, नोटिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 ने एक इंडिकेटिव टारगेट दिया था कि भाई 20% तक एथेनॉल हो 2030 तक। अब ये इंप्रूव किया है 1.3 से एथेनॉल सप्लाई ईयर में 2013-14 से 60.93 में अभी के इस पर्टिकुलर गोइंग ऑन ईयर में। मिनिस्ट्री ने जो है पब्लिश किया नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने बोला कि OMC शैल सेल एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विद परसेंटेज ऑफ एथेनॉल अप टू 20% एज पर द BIS स्पेसिफिकेशन ऑफ द होल ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज एंड शैल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 2023 अप्रैल 1। अब यहाँ पे E100 पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड पुणे में, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है OMC जो है वो 5 जून 2021 से शुरू कर देंगी। इसी के साथ दोस्तों वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड डे ऑफ द वीक, WHO GMP COPP सर्टिफिकेशन फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। क्या पता होना चाहिए, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन IMPCL सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहाँ पे है, मोहन डिस्ट्रिक्ट, अल्मोरा, उत्तराखंड वगैरह वगैरह, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज अप्लाइड फॉर WHO GMP COPP सर्टिफिकेशन फॉर 18 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। अब ये जो सर्टिफिकेशन है ये मैंडेटरी है ग्लोबल मार्केट्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी मेडिसिन बेच पाएं उनके लिए। अब एक एक्सपोर्टिंग कंट्री को लाइसेंस मिलना चाहिए जिससे कि वो दूसरे कंट्रीज को दे सकें, उसको इन गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट जो है वो इशू करा जाता है बाय द WHO। तो ये बेसिक सी न्यूज़ है, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम समझ गए हैं क्या है। 3 मॉन्यूमेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश आइडेंटिफाइड एज आदर्श स्मारक फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल फैसिलिटीज श्री जी किशन रेड्डी। तो मिनिस्टर फॉर कल्चर इन्फॉर्म्ड राज्यसभा कि 3 ऐसे इमारतें हैं या स्मारक हैं आंध्र प्रदेश में जिनको कि कैफेटेरिया, वाईफाई इंटरप्रिटेशन सेंटर, ब्रेल सिग्नेचर्स, इन सब के लिए बनाया जाना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से हैं, मॉन्यूमेंट्स एट द नागार्जुनकोंडा डिस्ट्रिक्ट गुंतूर, बुद्धिस्ट रिमेंट्स एट सलीहुंडम डिस्ट्रिक्ट श्रीकाकुलम, वीरभद्रा टेम्पल एट लियोपक्षी। अब फोर्ट है गांधीकोंडा में भी इंक्लूड किया गया, उसको अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम में जो कि PPP मोड में है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उसको लिया गया है। अब यहाँ पे DRDO ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम अलॉय टू मॉडर्नाइज द एविएशन सेक्टर। अब इसका क्या मतलब है, DRDO ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बेटा टाइटेनियम अलॉय कंटेनिंग वैनेडियम आयरन एल्यूमिनियम T10V2Fe3AI नॉन फेरस नियर बेटा टाइटेनियम अलॉय ऑन इंडस्ट्रियल स्केल फॉर एप्लीकेशन इन एयरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग्स। अब इसको डेवलप किसने किया, हैदराबाद डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई स्टेट ऑफ द आर्ट अलॉय यूज किया गया है कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूट बनाने के लिए हैवियर ट्रेडिशनल जो हमारा NICRMO स्ट्रक्चरल स्टील है उसके लिए सब्सटीट्यूट बनाया गया है कॉस्ट इफेक्टिव सा सब्सटीट्यूट। हायर स्ट्रेंथ डक्टिलिटी फटीग फ्रैक्चर टफनेस जो है वो रिप्लेस करेगी स्टील को जिससे कि कंसिडरेबल वेट सेविंग्स हो, और साथ ही साथ कंपोनेंट्स को फोर्स किया जा सकता है बेटर टाइटेनियम अलॉय के साथ यूजिंग इंक्लूडिंग स्लैट फ्लैप ट्रैक्स लैंडिंग गियर एंड ड्रॉप लिंक इन लैंडिंग गियर अमंग सेवरल अदर्स। तो अब ये जो है कि भाई और पॉपुलर अलॉयज क्या है, तो ये आपको ये पढ़ लेंगे तो आप उसको समझ में आ जाएगा आपको। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, न्यू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल फॉर थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज टू इम्प्रूव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंस इन दिस डिवाइस। तो अब इसमें हमें क्या बताना चाहिए, एक नया न्यू लो कॉस्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल बनाया गया है थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज के लिए। अब इसको किसने बनाया, एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू रिसर्च मटेरियल्स एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसने डिजाइन किया है लीड टेल्यूराइड यूज करके, मैग्नीशियम स्टेनाइट सिलिसाइड कंपाउंड यूज करके जिस जो कि 10% कन्वर्जन एफिशिएंसी देता है। साथ ही साथ ARCI टीम ने एक्सप्लोर करे हैं बहुत सारे मेटलाइजेशन मेथड्स और डिफ्यूजन बैरियर मटेरियल जिनके तहत वो एक स्टेबल बाय बिस्मत डोप्ड MG2SI1XSNXCU जॉइंट टू फैब्रिकेट अ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कैसे, कि वो एक टेम्परेचर को यूज़ करता है बिटवीन द टू साइड्स।
फिर वो ऐसे फंक्शन करेगा कि वो एक स्मॉल हीट पंप की तरह फंक्शन करे, एक तरफ से दूसरी तरफ हीट जा रही है डिवाइस के। थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी डायरेक्टली इंटू एन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉन एंड फोनॉन डिफ्यूजन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग साइंस में रुचि रखते हैं, फिजिक्स में रुचि रखते हैं, उनको और बेहतर समझ में आएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और एक्सप्लेन आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं कि ओवर 1 मिलियन चिल्ड्रन लॉस्ट पेरेंट एंड बिकेम ऑर्फन्स। तो अब इस न्यूज़ में ये मोर ऑफ एक फाइंडिंग है, ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट है। गो थ्रू दिस, देर आर सम स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो मैंशनड इन दिस। एक इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल आर्टिकल है, आपके आंसर्स में भी आपको मदद करेगा। IIT रोपर डेवलप्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस। तो ये क्या है भाई, अब इसमें मेडिकल ऑक्सीजन की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए IIT रोपर ने एम्बलेक्स डिज़ाइन किया, एक ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस है। अब ये क्या करता है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सप्लाई करता है पेशेंट को जब वो इनहेल करे, और उसके बाद ट्रिप कर जाता है जब वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो अब इसको इसलिए किया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन वेस्ट ना हो। अभी तक एक्सहेलेशन के दौरान वो ऑक्सीजन जो है वो पुश आउट हो जाता था, तो वेस्ट होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन है। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ, तो उससे देखिए किस तरीके के इनोवेशंस निकलने लगे। एक लार्ज वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन का, वो एस्केप कर जाता है इस रेस्टिंग पीरियड में, इस वजह से कंटिन्यूस फ्लो में बहुत सारी गैस लीक हो जाती है। तो उससे बचाव करने के लिए ये एक इंस्पायरिंग इनिशिएटिव लिया गया। अगली न्यूज़ है, जेफ बीजोस लॉन्चेस टू स्पेस अबोर्ड न्यू शेपर्ड रॉकेट शिप। अब ये देखिए, न्यू शेपर्ड के बारे में अभी हम सबने सुना कि उनकी ब्लू ओरिजिन जो कंपनी उसने बनाया था स्पेस टूरिज्म के लिए। यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि प्राइवेट साइट थी वैन हॉर्न, कैप्सूल ने ऑल्टीट्यूड लिया 107 किलोमीटर का, जब तक वो डिसेंड नहीं कर गया, पैराशूटिंग डाउन टू सॉफ्ट लैंडिंग 11 मिनट्स लेटर लेटर जहाँ जो वेस्ट एक्सेस पे जो कि हुआ। कंपीटिंग हेड टू हेड विद बिलियनियर रिचर्ड ब्रांसन, जो कि स्पेस गए थे अपने वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट प्लेन में। बेजोस ने ब्लास्टेड ऑफ विद हिज ब्रदर मार्क इन टू हिस्ट्री मेकिंग पैसेंजर्स। 82 साल के एविएशन पायनियर वॉली फंक थे ओल्डेस्ट पर्सन टू फ्लाई इन स्पेस, और ऑलिवर डायमंड थे 18 साल के एक डच स्टूडेंट जिन्होंने यंगेस्ट स्टूडेंट बनने का खिताब हासिल किया। तो मतलब ठीक है, इस पर बहुत सारी राय बन रही हैं, आप उन डिबेट्स को पढ़िए, आप उन इशूज़ को समझिए, बट ये ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है। इसी के साथ हम अगले दिन की तरफ बढ़ते हैं, 22 जुलाई की तरफ। निधि फॉर कोविड, ये एक इंडियन स्टार्टअप है जिसने कि COVID-19 से फाइट करने का इनिशिएटिव लिया है। 2.0 डिवाइस किया गया है, एक रैपिड रिस्पॉन्स सपोर्ट स्टार्टअप के रूप में, हर तरीके की चैलेंजिंग COVID-19 सिचुएशन को टैकल करने के लिए। इंडक्टेड एज अ स्पेशल ड्राइव ऑफ द नेशनल स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निधि फॉर कोविड 2.0 एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस सोल्यूशन, यानी अपने आप से निकले सोल्यूशन, हमें दूसरों पर ना निर्भर करना पड़े, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकले, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात करी हम COVID-19 से भिड़ सकें इसलिए। अब इसके तहत जिन स्टार्टअप्स के पास एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रेटजी है, उनको कंसिडर किया जाएगा सीड सपोर्ट के लिए थ्रू DST सपोर्टेड नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। KIIT क्या है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस सपोर्टेड है, जो कि DST द्वारा उसको सेलेक्ट किया गया है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में KIIT को। KIIT TBI क्लोजली वर्क करेंगे और स्टार्टअप्स ऐसे बनाएंगे कि प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें लगभग 50 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया अमंग WTO's 5 मेंबर नेशंस टू अकाउंट फॉर 75% ऑफ एंटायर ग्लोबल आउटपुट ऑफ COVID-19 वैक्सीन्स। तो एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई WTO के डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो ने अवेला ने बोला है कि भाई 5 मेंबर स्टेट जो हैं वो अलोन 3 क्वार्टर्स में 75% आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें इंडिया भी है, इसमें इंडिया, जर्मनी, US, फ्रांस, चाइना आते हैं, और उन्होंने कहा कि 1.1 कोविड वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर करी जा चुकी हैं अभी तक। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम अलग हटके एक न्यूज़ देख रहे हैं कि लिवरपूल स्ट्रिप्ड ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस रिप ऑफ करने का ये पहला इंस्टेंस हम देख रहे हैं। उसको अपने क्यों ये खोना पड़ा, क्योंकि UN कमिटी ने ऐसा फाइंड किया कि भाई जो वैल्यू है सिटी वाटर फ्रंट का, उसके डेवलपमेंट को थ्रेटन हो रहा है, उसका डेवलपमेंट खतरा है उसको रिसेंट डेवलपमेंट से। सीक्रेट बैलेट हुआ यूनेस्को कमिटी में, जहाँ पे कि यूनेस्को एक चाइना में मीटिंग हुई, जहाँ पे उन्होंने वॉर्न किया था कि
कि जो नया एवर्टन फुटबॉल क्लब का स्टेडियम बना है उसने सीरियस डिटेरिएशन किया है उस हिस्टोरिक साइट का। सिटी वॉज अवॉर्डेड द मच कोवेटेड टाइटल इन 2004 रिकग्निशन ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट ज्वाइनिंग प्लेसेज लाइक ताजमहल, इजिप्ट पिरामिड्स एंड कैंटरबरी कैथीड्रल। वो एक आप देखिए यहाँ लिवरपूल के बारे में हमने आपको दो चीज़ें बता दी कि भाई मर्सी साइड इंग्लैंड में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ईस्टर्न साइड पे है मर्सी एस्चुरी की, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कि एक जाना माना कैरेक्टर है लिवरपूल का। तो आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट फॉर ग्वालियर ओरछा लॉन्च्ड। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा नाम के दो शहर हैं जिनको कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत उनको इंक्लूड किया गया, उनको लॉन्च किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसको कि 2011 में शुरू किया गया उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके कल्चर और हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए। ये चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने किया था और किया है अभी भी। 6 सिटीज़ हैं साउथ एशिया की जिसमें कि अजमेर, वाराणसी इंडिया से ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ओरछा और ग्वालियर इनको सातवीं और आठवीं शहरों की तरह इंक्लूड किया जा रहा है। ये कल्चरल इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट एमपी टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा नया डेवलपमेंट और साथ ही साथ उत्थान लेके आएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं वो पर्टिकुलर फोटो जो कि बनाई गई है इस चीज़ के लिए। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। तो अब DRDO ने एक नई जनरेशन आकाश मिसाइल उसको टेस्ट कर लिया है उड़ीसा के कोस्ट से। ये DRDL ने करा कोलैबोरेशन विद DRDO। इसके दो वर्जन है, आकाश NG विच कैन स्ट्राइक टारगेट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एंड फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ मैश 2.5। द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल विल प्रूव टू बी अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द एयर डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ द IAF विच इज द इंडियन एयरफोर्स। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट होम ग्रोन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो काफ़ी सारा यहाँ पे निरीक्षण हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भाई एक नया इंडिजिनियसली डेवलप लो वेट फायर फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया गया। इसको स्टेट ऑफ द आर्ट मिनिएचराइज इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई अलॉन्ग विद एडवांस्ड एवियोनिक्स। अब मैन पोर्टेबल मिसाइल जो है वो लॉन्च किया जाता है ट्राईपॉड पे रख के, और उसका रेंज जो है वो 2.5 किलोमीटर से है और लॉन्च वेट जो है वो 15 किलो से भी कम। कंट्रोल फ्लाइट टेस्ट हैव बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट एंड गाइडेड फ्लाइट टेस्ट आर प्लान्ड, मतलब वो अभी करे जाएंगे। देखिए पेगासस एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, पेगासस रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस ने हमको एक और बेहतरीन एक्सप्लेन्ड आर्टिकल दिया, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस और हम समझेंगे कि यहाँ पे पेगासस का और पूरे ये ट्रोजन हॉर्स के एक मिथ का क्या यहाँ पे रियलिटी है। तो इस आर्टिकल को पढ़ के ना सिर्फ आपका नॉलेज ऐसे स्टिमुलेट होगा बट आपको काफ़ी सारे और फैक्ट्स भी पता चलेंगे। अब यहाँ पे H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करी जा रही है कि जो ये हुआ है जहाँ पे अभी हमने देखा कि दिल्ली में 11 साल के बच्चे की इससे मृत्यु हो गई, जो पहला केस था, उस इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बताया जा रहा है। ज़रूर पढ़ें, बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा इसको बोलते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं बट इवन इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर प्लीज़ गो टू दैट लिंक। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट टू बी रिनोवेटेड टू मार्क 75th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, बेसिक सी न्यूज़ है कि भाई इसको रिनोवेट किया जाएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये एक प्रीमियर आर्ट गैलरी है, 1850 के बाद से प्रिजर्व कर रही है ऐसे कामों को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। हालांकि ये नहीं आपसे कोई पूछेगा लेकिन इसमें आर्टिस्ट्स कौन कौन से हैं, हमारे अपनिंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, गगेंद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं सॉरी, थॉमस डैनियल हैं, राजा रवि वर्मा हैं, नंदलाल बोस हैं, जामिनी रॉय हैं, अमृता शेरगिल हैं, ऐसे तमाम आर्टिस्ट्स हैं। 1954 में मेन म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंतर्गत लिया और उसकी सब्सिक्वेंट ब्रांचेस जो हैं वो दिल्ली और बैंगलोर में भी देखने को सॉरी बैंगलोर और मुंबई में भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों विद द नेक्स्ट डे नाउ कमिंग अलॉन्ग विच इज़ 23rd of July और हमारा पहला आर्टिकल एक्सप्लेन आर्टिकल है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं सर्विलांस लॉज पे और IT Act 2000 जो है, टेलीग्राफ एक्ट 1885 का जो है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि क्या मायने हैं। Go through this and you will understand the importance of this. Cabinet approves establishment of an integrated multi-purpose corporation for the Union Territory of Ladakh. तो Union Territory जो है वो Union Cabinet ने approve कर दिया है, एक integrated multi-purpose infrastructure development corporation होगा जो कि UT of Ladakh के लिए बनाया जाएगा। एक पोस्ट होगी MD की और साथ ही साथ स्पेस स्केल होगा 1,44,000 से लेकर के 2,18,000 लेवल तक का, 200-200 रुपये उसमें बाद में है।
ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? 25 करोड़ का, रिकरिंग एक्सपेंडिचर लगभग 2.5 करोड़ का है हर साल का। नया एस्टेब्लिशमेंट है, अभी ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में नहीं है। और हम क्या देख रहे हैं कि ये डेवलप क्यों किया जा रहा है? एज एन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विद एन अप्रोप्रिएट मैंडेट टू टेक अप वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज पर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ लद्दाख। तो उन्हीं लाइन्स पर बनाया जा रहा है, यानी AIANIIDCO के लाइन्स पर। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ऑफ कच्छ, देयर हैबिटेट्स एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि अभी कोई जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स नहीं बचे हैं, कि भाई कंजर्वेशनिस्ट और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट ने इस पर सवाल भी उठाया है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया राज्यपाल को कि कोई नहीं बचा है यहाँ पे, जनवरी 1 की बात है इस साल की। तो इस पर जो है बताया गया कि ये लार्जेस्ट अमंग द 4 बस्टर्ड स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, द अदर 3 बींग मैकक्वींस बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन एंड द बंगाल फ्लोरिकन। जी, इसकी जो हिस्टोरिक रेंज है वो इंक्लूड करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, लेकिन अब सिर्फ 10% बची है। साथ ही साथ हेवीएस्ट बर्ड्स में से जो हम जिसको बोलते हैं, तो GIBs प्रेफर ग्रासलैंड्स एज देयर हैबिटेट्स। बीइंग टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ग्राउंड विद ओकेजनल फ्लाइट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द हैबिटेट टू द अदर। अब यहाँ पे उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि दे फीड ऑन इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, ग्रास सीड्स, ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला भी है कि भाई यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड हेल्ड इन गांधीनगर, उसने कहा था कि 150 बचे हैं बस, ऑफ देम 128 जो है वो राजस्थान में और 10 कच्छ में हैं, और कुछ महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आपको पाए जाते हैं, और पाकिस्तान भी कुछ हैं। इस स्मॉलर पॉपुलेशन साइज के तहत जो इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, उसने GIBs को, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में या ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन के रूप में उनको कैटेगराइज कर दिया है। एक और हम एक्सप्लेन आर्टिकल की तरफ आते हैं कि वाई द USS चेंज इट्स माइंड ऑन द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। रशियन जर्मनी पाइपलाइन है जो बाइडन ने करी है, जिससे कि वहाँ रिपब्लिकन्स में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तो हम ये पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। वॉट इज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन एंड वेन कैन इट बी सेट असाइड? तो ये डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? अब यहाँ पे ये हम एक और हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन आर्टिकल आ गया है, जिसमें कि हम सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात हम कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा पढ़ें और आप इसको पूरा समझें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क कर ही दिए। द गाँव बुरा अ चैप्टर ऑफ आसाम्स हिस्ट्री नाउ री रिटन, विलेज हेडमैन विल नाउ बी रोन एज गाँव प्रधान रादर देन गाँव बुराज। तो अब इसका क्या मतलब है कि आसाम के कैबिनेट ने अनाउंस किया कि जो गाँव बुराज यानी विलेज हेडमैन है, विलेज लेवल फंक्शनरीज को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाए, तो अब उनको गांव प्रधान बोला जाएगा। अब ये इंस्टीट्यूशन जो है वो आसाम में कब का है? कॉलोनियल एरा का है, जब गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ओल्डेस्ट पर्सन को बना देती थी मैटर ओवरसी करने के लिए, देखभाल करने के लिए, लैंड और रेवेन्यू से रिलेटेड। लेकिन अब क्या हुआ है कि यूजुअली ओल्डेस्ट सबसे नॉलेजेबल इंसान को जाता था, अब क्या हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही होता था, और अब जो है गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया इसी इंस्टीट्यूशन के साथ और उसको फॉर्मल पार्ट बनाया आसाम रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, उसका रोल बढ़ा और एक ऑनरेरियम भी दिया गया। गवर्नमेंट ने रीज़न किया कि एक बहुत सारे यंग वेमेन एंड वुमेन आए हैं जो कि बने हैं गाँव बुराज, एंड दस बुरा बोल बूढ़ा बोलना या बुरा बोलना उसको नहीं, मतलब ओल्ड हो उसका मतलब है। तो ये उन्होंने रैशनल दिया है, ये अभी भी नोटिफाई करना बाकी है, लेकिन इसको बहुत जगहों पर क्रिटिसाइज किया गया। तो एक मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक कल्चरल सिम्बॉलिक मूव है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, तो अब ये क्या है? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इज अ सब स्कीम ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना PMKVY सिंस 2021 फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या है कि स्कीम जो है ये मेनली किस चीज़ पे हम देख रहे हैं कि, एक मिनट में आप कीजिएगा दोस्तों, किस चीज़ पे हम देख रहे हैं कि मेनली फोकस करती है कि भाई एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल्स, सारे इनपुट्स चले जाएं, बायोमास पे हम आए, मेजर स्ट्रेस हो बायोमास मल्चिंग पे, काउडन यूरिन यूज हो, प्लांट बेस्ड प्रिपरेशंस हो। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 12,200 पर HA फॉर 3 ईयर्स प्रोवाइड किया था, क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग के लिए ट्रेन प्रोफेशनल द्वारा, सर्टिफिकेशन और रेसिड्यूअल एनालिसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेशनल फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफिस इनॉग्रेटेड बाय द UN यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर। तो अब इसमें क्या हमें पता होना चाहिए,
हमें वेलफेयर मिनिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इनॉग्रेट किया उन्होंने नेशनल फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, ये किस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम आएगी इन यहाँ पे जो मेंशन है इसके लिए, पीएम किसान योजना, किसान मानधन योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की जो और स्कीम्स। अब इसमें अलग अलग स्कीम्स की हम देख रहे हैं बात करी गई है, तो इसमें पीएम किसान की बात करी गई कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी है ये इस योजना टू, जिससे कि वो सेल्फ रिलायंट यानी खुद पे रिलाय करने वाले फार्मर्स बन जाए, खुद से वो उत्पादन और खुद को संभालने वाले फार्मर्स बन जाए, स्वतंत्र बन जाए और साथ ही साथ स्वावलंबी बन जाए, प्रोवाइड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर। इस स्कीम के तहत 1.37 करोड़ का जो एक पैकेज है वो अनाउंस किया गया है 11 करोड़ फैमिलीज के लिए। आगे बढ़ते हैं हम अपनी पेनल्टीमेट डेट की तरफ बढ़ गए हैं, जुलाई 24 की तरफ। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एट IIT मद्रास सपोर्टेड बाय NBCC फैसिलिटेटेड बाय ऑफिस ऑफ PSA, NBCC ने CSR फंडिंग दी और एक लैब सेटअप किया थयोर कैंपस में जिसको कि डिस्कवरी कैंपस बोलते हैं IIT मद्रास का। NBCC क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE है नवरत्न कैटेगरी में। न्यू लैब स्पेस जो फाइंड किया गया वो फंड किया गया वो एनेबल करेगा 12 एडिशनल लैब्स को। पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में काम करेगा और साथ ही साथ NBCC को हम क्या बोलते हैं, पहले से क्या बोलते हैं कि भाई नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होल्ड करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, दिल्ली, और 1960 में फाइंड की गई। नीति आयोग एंड IEA लॉन्च रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021। तो अब ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है ये पता होना चाहिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लॉन्च किया है और रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया बना है इस रिपोर्ट का नाम। 3 स्टेट वर्कशॉप्स कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में, जिससे कि एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंजेस समझे जा सके इन रिन्यूएबल रिच स्टेट्स में। इसने बताया कि इंडिया का पावर सिस्टम जो है एफिशिएंटली इंटीग्रेट कर सकता है रिन्यूएबल्स को लगभग 175 गीगावाट बाय 2022 एंड 450 गीगावाट बाय 2030, लेकिन इसके लिए आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगा, प्रॉपर प्लानिंग, रेगुलेटरी पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एनर्जी स्टोरेज, तमाम तरह की चीज़ें चाहिए होंगी। और इंडियन स्टेट्स नीड टू एम्प्लॉय अ वाइड रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस, जैसे कि डिमांड रिस्पॉन्स, ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑपरेशन ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट, स्टोरेज एंड ग्रिड इंप्रूवमेंट्स टू ट्रांजिशन टू क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स। लार्जर शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स कैन बी बेटर मैनेज बाई शिफ्टिंग टाइम ऑफ यूज इन एग्रीकल्चर, टाइम ऑफ यूज टैरिफ विल बी एन इफेक्टिव टूल टू इंसेंटिवाइज डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड इनकरेज फ्लेक्सिबल कंजम्पशन। आगे बढ़ते हैं, इन्वोकिंग बुद्धा स्पीचिंग PM सेज दैट हिज आइडियाज आर मोर रिलेवेंट। तो अब इसमें हमें बेसिकली बताना चाहिए धम्म चक्र डे के बारे में, आषाढ़ का मंथ है, इसको पूरे दुनिया में कमेमोरेट किया जाता है, पहला सरमन यानी पहला प्रवचन जो था गौतम बुद्धा का अपने 5 उन्होंने डिसाइपल्स को जो दिया था, साथ ही साथ इसको एप्टली गुरु पूर्णिमा के रूप में भी याद करते हैं। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इंडिया स्कोर इन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, 90.32 का इनको स्कोर मिला है इंडिया को UNESC में एशिया पैसिफिक में जो है, साथ ही साथ लेटेस्ट ग्लोबल सर्वे में ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। इसने इंडिया का रिमार्केबल जंप किया है, लगभग 78.5 था और अब इतना हुआ है। 143 इकोनॉमीज का सर्वे करने के बाद हमने क्या पाया, 5 इंडिकेटर्स जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन, कॉरपोरेशन कोऑपरेशन, पेपरलेस ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड की बात करी गई और इसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है हमने अभी यहाँ मेंशन करी है। इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है जब साउथ या साउथ वेस्ट एशिया की कंट्रीज से हम इसको कंपेयर करते हैं। ओवरऑल स्कोर जो है वो बहुत सारी OECD कंट्रीज से भी ज़्यादा है, जैसे फ्रांस, UK, नॉर्वे, फिनलैंड एक्सेट्रा। ओवरऑल स्कोर तो एवरेज स्कोर ऑफ EU से भी ज़्यादा है और इंडिया ने 100% जो है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स और वुमेन इंटरेट कंपोनेंट में 66% अचीव किया। CBIC हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ पाथ ब्रेकिंग यूनिफॉर्म्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ तुरंत कस्टम्स टू अशर इन अ फेसलेस, पेपरलेस एंड कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स बाय अ वे ऑफ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। इसका डायरेक्ट इंप्रूवमेंट है UNSCAP रैंकिंग्स में। अभी सर्वे क्या है, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन इज कंडक्टेड एवरी 2 ईयर्स बाई UNSCAP। द 2021 सर्वे इंक्लूड्स एन असेसमेंट ऑफ 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स कवर्ड बाय द WTO's ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारे पॉइंट्स मार्क्ड हैं, बहुत सारा डेटा है, आपको समझना पड़ेगा। राजनाथ सिंह जी ने इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपेडिशन आर्मी 21 दिल्ली में लॉन्च किया, तो हम इसमें
RMX 21 पता होना चाहिए। ये क्या है? कंडक्टेड इन माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयाज टू प्रमोट द एडवेंचरस एक्टिविटी इन द कंट्री एंड द इंडियन आर्मी, देयर बाय प्रमोट टूरिज्म एज वेल। एक्सपेक्टेशन वॉज फ्लैग्ड ऑफ एट काराकोरम पास इन लद्दाख ऑन 10th मार्च एंड कल्मिनेटेड इन मलारी इन उत्तराखंड ऑन 6th ऑफ जुलाई। एक और एक्सप्लेन्ड आर्टिकल, बिल इन पार्लियामेंट टू स्टॉप स्ट्राइक्स एट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल की बात कर रहा है, एफिशेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल की, जरूर पढ़े। वदा अकमोई आउटेज इज वरीसम, अकमाई की बात करी गई है कि भाई जो अकमाई है उनको बहुत ज़्यादा डिसरप्शन फेस करना पड़ा अपने HDNS पे सर्विस पे, जहाँ पे कि जोमैटो, पेटीएम, पार्ट्स ऑफ अमेजोन, वो सब जो है मौजूद है। तो हम इसको भी यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये दोनों ही आर्टिकल्स बेहद इंपॉर्टेंट, तो मैं इधर जाके इसको भी मार्क करूँगा और इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक और एक्सप्लेन आर्टिकल है, राइट टू बी फॉरगॉटन की बात करी है। तो ये एक आशुतोष कौशिक हमारे एक बिग बॉस के रियलिटी शो विनर थे, MTV रोडीज पे भी आए थे, इन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन की बात करी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, डू गो थ्रू दिस एंड देन डिबेट विद योर फ्रेंड्स अबाउट दिस आइडिया, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंट्रीगिंग आइडिया इन एंड ऑफ इटसेल्फ। इसी के साथ फ्रेंड्स हम आखिरी दिन की तरफ बढ़ते हैं, जुलाई 25। यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन शिलोंग टुडे। हम क्या देख रहे हैं कि भाई इसमें क्या बताना चाहिए, फाउंडेशन स्टोन फॉर द मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन फैसिलिटी। अब इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि NASAC है, उसको एक जॉइंट इनिशिएटिव के तहत बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा, जो कि 2000 में आया था एग्जिस्टेंस में। सेंटर ने हेल्प किया है बाय ऑगमेंटिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द रीजन बाय प्रोवाइडिंग द एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी सपोर्ट। साथ ही साथ शिलोंग में लोकेटेड है और यूनियन होम मिनिस्टर ने इसके चेयरमैन है, अमित शाह इसके चेयरमैन है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। आज़ाद की शौर्य गाथा एग्जीबिशन ऑन मार्टियर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल चंद्रशेखर आज़ाद इनॉग्रेटेड एट IGNCA न्यू दिल्ली बाय श्री अर्जुन राम मेघवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ कि हमें इसमें हमारे एक बेहद खास फ्रीडम फाइटर के बारे में पता चलता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, उनकी उम्र, उनका इंडियन रिवोल्यूशनरी होना, HRCA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में उनकी मृत्यु होना, काकोरी ट्रेन रॉबरी, 1925 की वाइस रॉय ऑफ इंडिया को ब्लो करने का जो अटेम्प्ट था 1926 में, शूटिंग जो थी सॉन्डर्स की 1928 लाहौर में, लाला लाजपत राय की किलिंग्स, एल्फ्रेड पार्क अलाहाबाद, और साथ ही साथ जो उनका आज़ाद होने का उनका जो सिनोनिम था बलराज, उन्होंने हटा दिया था जो उन्होंने जो यूज़ करते थे सॉरी अपना जब वो पैम्फलेट्स इशू करा करते थे। सब आपके लिए जानना ना सिर्फ ज़रूरी बट बेहद रोचक भी है। इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर दैट सेल्फ रिपेयर मैकेनिकल डैमेजेस। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि डिवाइसेस दैट वी ऑफन यूज ऑफन ब्रेक ड्यू टू मैकेनिकल डैमेज फोर्सिंग अस आइदर टू रिपेयर और रिप्लेस देम। तो ये एक ऑब्जर्वेशन टाइप का आर्टिकल है। ऐसे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लाइफ जो है वो कम हो जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है, इस वजह से स्पेस क्राफ्ट में ह्यूमन इंटरवेंशन से रेस्टोरेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कीपिंग नेसेसिटीज इन माइंड, IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च ने कोलकाता में अपनी IIT खड़गपुर की टीम के साथ एक पाइजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स डेवलप किए हैं, जो कि मैकेनिकल डैमेजेस को रिपेयर करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के। ये कैसे बने हैं? ये बने हैं दैट मटेरियल्स दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट अंडरगोज अ मैकेनिकल इंपैक्ट। अब पाराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स क्या हैं? ये पाइजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड बाय पाराजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स रिकम्बाइंड फॉलोइंग मैकेनिकल फ्रैक्चर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन ऑटोनॉमसली सेल्फ हीलिंग इन मिली सेकेंड्स विद क्रिस्टलोग्राफिक प्रेसिशन। इन दीज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन मैकेनिकल इम्पैक्ट द ब्रोकन पीसेज अक्वायर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट द क्रैक जंक्शन लीडिंग टू अट्रैक्शन बाय डैमेज पार्ट्स and precise autonomous repair. आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा initiates steps to promote cultivation of agar to transform the economy. agar tree यानी कि agarwood based industry की हम बात करते हैं, तो त्रिपुरा agarwood policy 2021 आई sustainable harvesting के लिए। इसका क्या aim है कि भाई double agarwood plantation जो है वो करा जाए 2025 तक,
और 20 बिलियन की इंडस्ट्री बनाई जाएगी 5 सालों में। डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट और फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन ग्रीन स्पीशी है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। इसके अलावा इसका रेंज जो है वो फुटहिल्स से हिमालयस के पापुआ निगिनिया तक है। साथ ही साथ हम सबसे एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो फ्रेग्रेंट अगरवुड इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्प्लेक्स बायोटिक एबायोटिक एंड स्ट्रेस इंड्यूस रीजन ऑन द एक्वेरेला ट्रीज एक्वेलेरिया ट्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल्स द वुड ऑफ द ट्री मस्ट बी फर्स्ट बिकम इन्फेक्टेड एंड मोल्ड विद मोल्ड नेम्ड फियालोफोरा पैरासिटिका। इसका यूज क्या है, फ्रेग्रेंट डार्क रिजिनियस वुड है, साथ ही साथ इंसेंस स्मॉल कार्विंग्स परफ्यूम यूज होता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस के रूप में अगरतला जो है यहीं से आता है उसका नाम, और एक बहुत ही पुरानी और एक विंटेज तरीके की लग्जरी भी है और फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट ऑफ वेल्थ है जिसको कि वेदास में से डिस्क्राइब किया जाता है। एक और एक्सप्लेन आर्टिकल आता है तो हम बात कर रहे हैं कि भाई माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में एक स्टडी ने कुछ कहा है और उस स्टडी के बारे में आपको पढ़ना यहाँ से बेहद ज़रूरी, तो इम्पॉर्टेंट स्टडी है, डू गो थ्रू दिस। एक और एक्सप्लेन आर्टिकल कि वेयर डिड द सेंटर गो रॉन्ग ऑन कोऑपरेटिव, तो अब इसकी जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी एक्सप्लेन आर्टिकल है, शायद मैं इस पर लिंक नहीं डाल पाया हूँ, बट यू विल सिंपली गूगल इट एंड फिगर इट आउट, तो आप पढ़ेंगे खुद से तो ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे लिंक नहीं डाल पाया तो आई जस्ट गो थ्रू इट क्विकली कि भाई 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया क्योंकि इन सो फार एज इट डेल्ट विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट्स हैज ब्रॉट फोकस ऑन टू द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट कैन सीक टू ले डाउन पॉलिसी फॉर फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये अमेंडमेंट क्या था, रिकॉग्नाइजिंग दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज केम अंडर द एंट्री 32 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, द अमेंडमेंट प्रपोज टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी गेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। द आइडिया वॉज टू एम्पावर पार्लियामेंट टू फ्रेम लॉस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि अक्रॉस स्टेट फंक्शन करते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स टू मेक लॉज फॉर ऑल अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉलिंग अंडर देयर ज्यूरिस्डिक्शन। द अमेंडमेंट सेट आउट बेसिक रूल्स जैसे कि मैक्सिमम ऑफ 21 डायरेक्टर्स, 5 साल का एक इलेक्टेड मेंबर्स का टेन्योर, 6 मंथ्स का गैप सोसाइटी मेंबर्स के लिए जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे सप्रेशन या सस्पेंशन के लिए, रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड 2 सीट्स फॉर वुमेन ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज एवरी सोसाइटी दैट हैज मेंबर्स फ्रॉम दीज सेक्शंस। सो फ्रेंड्स इसी के साथ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीक्स वीकली करंट अफेयर्स। वी होप दैट यू आर लाइकिंग द न्यू फॉर्मैट। आप लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में ये PDF फॉर्मैट में मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू दिस। एनी क्वेश्चंस डू कॉमेंट, यू लाइक इट और नॉट डू कॉमेंट, शेयर इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड यस हियर्स मी साइनिंग ऑफ, वील मीट नेक्स्ट वीक।